हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल की न्यू वीडियो में। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ सेबर टूथ टाइगर वर्सेस शॉर्ट फेस्ड बियर की लड़ाई। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं सेबर टूथ टाइगर के बारे में। सेबर टूथ टाइगर का असली नाम स्पाइनो डॉन था, जो नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में राज करा करता था। ये बिल्लियों की प्रजाति से बिलोंग करता था और बहुत ही खतरनाक होता था। इसके दो बड़े कैनाइन दांत तो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, और तो और ये अभी की सबसे बड़ी कैट भी ज़्यादा वजनी था। 340 किलो वजनी तथा 5 फुट लंबा ये जानवर उस ज़माने में नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में राज करता था। और जिससे इसकी लड़ाई हो रही है वो है शॉर्ट फेस्ड बियर, जो हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा ऊंचा बियर था, जो लगभग 12 फीट ऊंचा था, 1 टन भारी था। और इसके पंजे में इतनी ताकत थी कि ये पड़ जाए तो आप एक बार में ढेर हो जाएंगे। शॉर्ट फेस्ड बियर तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता था, जो एक शॉकिंग फैक्ट है कि इतना तेज भागना इस ज़माने के किसी भी बेयर के लिए संभव नहीं होता है, और ख़ास करके जब वो इतने ज़्यादा बड़े का साइज का हो। और इसकी PSI फोर्स मतलब कि बाइट फोर्स भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो इस लड़ाई को शुरू करते हैं। जब कभी भी इन दोनों की लड़ाई होती तो ज़रूर सेबर टूथ टाइगर, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तथा बहुत ज़्यादा बाइट फोर्स का जीव था, वो उसके ऊपर अटैक कर देता। सेबर टूथ टाइगर जिसके बाद लंबे लंबे पंजे और तकरीबन 1 टन की बाइट फोर्स थी, वो उसे अपने खतरनाक दांतों से दबोच लेता। लेकिन दूसरे तरीका कि ऐसा तो होता नहीं कि फौरन शॉर्ट फेस बियर मर जाता, क्योंकि शॉर्ट फेस बियर की चमड़ी बहुत ज़्यादा मोटी होती थी। ऊपर से वो इतना तो स्लो मोशन था नहीं कि वो उसके ऊपर अटैक कर दे और वो घंटा उसे फ़र्क भी ना पड़े। वो ज़रूर अपने पंजों से उसके ऊपर अटैक करता और सेबर टूथ टाइगर को इससे बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता, इसलिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके पंजे से आप एक बार में ही ख़त्म हो सकते हैं, और सेबर टूथ टाइगर इसके पंजे से तकरीबन अपनी आधी हेल्थ तो खो ही देता। सेबर टूथ के पास स्टैमिना ज़्यादा और बाइट फोर्स ज़्यादा है, लेकिन ये दो चीज़ मैटर नहीं करती कि वो लड़ाई जीते। वहीं शॉर्ट फेस बियर के पास साइज़ ज़्यादा है और वेट ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है, पंजे बड़े हैं और स्पीड भी ज़्यादा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि शॉर्ट फेस बियर इस लड़ाई का विजेता होता। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हम आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो बाय बाय, टाटा।